हेलो गाइस, दिस इज सूरज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप ज़्यादा बाहर घूमते हैं जिसकी वजह से आपके फेस डल हो गई है, डार्क हो गई है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम आ रही है और आपकी फेस अच्छी ग्लोइंग नहीं दिख रही है, तो गाइस इस वीडियो में मैं आप सबको एक फेस स्क्रब का रिव्यू करने वाला हूँ और फेस स्क्रब के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे यूज़ करने के बाद जितने भी आपके पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, जितने भी आपकी डल स्किन है, जितने भी आपकी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, सब रिमूव हो जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप सबको एक स्क्रब के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है बियर्डो का कैफीन फेस स्क्रब। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आती है। तो गाइस इस वीडियो में इसके बारे में सारे डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और इसकी प्राइसिंग के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, सारे डिटेल्स इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि इसे आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देखिए, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह दिखती है। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग एक ब्लैक कंटेनर में आती है और इसका ऊपर में बियर्डो का ब्रांडिंग है, कैफीन है, फेस स्क्रब लिखा हुआ है। तो गाइस ये स्क्रब दावा करती है कि आपके फेस पर जितने भी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, जितने भी आपके डेड स्किन सेल्स है जिसकी वजह से आपकी फेस डल हो गई है, उसे रिमूव करने में मदद करती है। तो गाइस इस वीडियो के आखिरी तक हमको पता चल जाएगा कि ये आपको सच में काम करती है कि नहीं। तो गाइस अगर आप इसकी क्वांटिटी देखेंगे तो ये 100 ग्राम्स की आती है। आप देख सकते हैं 100 ग्राम्स की आती है। अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे तो इसकी प्राइसिंग आपको MRP में 350 रुपीज़ दिखेगा, लेकिन ये आपको Amazon पे सेल चल रहा है तो इजीली 250 से 290 तक ये मिल जाएगा, जो आपके बजट फ्रेंडली है। और इसकी एक अच्छी बात है कि आपको 2 से 3 मंथ्स तक इजीली चल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देंगे तो इसकी इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जैसे कि पैराबिन होता है, मिनरल ऑयल होता है, सल्फेट होता है, जो आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है, वो केमिकल्स इसमें बियर्डो वाले में नहीं डाला है। बियर्डो ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो गाइस नेक्स्ट इसके कंटेनर अगर आप ओपन करेंगे तो इसके कंटेनर के अंदर आपको सील मिल जाएगी और इसके अंदर की क्रीम आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी क्रीम कुछ इस तरह आती है, कॉफ़ी कलर की आती है और इसकी स्मेल भी आपको कॉफ़ी की स्मेल आएगी, जैसे कि बियर्डो की D10 फेस स्क्रब जिस तरह आती है उसी तरह सेम टू सेम ये आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े अलग है, उसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े अलग है क्योंकि वो प्योरली D10 के लिए बना है। ये आपके डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम और डल स्किन को रिमूव करने में, पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए ये बना है। दोनों में थोड़ी फ़र्क है, आपको देखिएगा, ध्यान से परचेस कीजिएगा। वो D10 के लिए है और ये आपके फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए बना है। तो गाइस अगर आप इसकी क्रीम देखेंगे तो इसकी क्रीम आपको ईजिली जार से अंदर से निकल जाता है और अब देख सकते हैं इसकी क्रीम कुछ इस तरह आती है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी क्रीम कुछ इस तरह आती है। आप देख सकते हैं ईजिली आपके हाथों पे ईजिली घुल जा रहा है। तो गाइस इसकी एक अच्छी बात है कि इसमें छोटे छोटे स्क्रबर्स आते हैं जो आपके पोर्स के अंदर तक जाके आपके पोर्स पर जितने भी डर्ट पोल्यूशन है, जितने भी डार्क स्पॉट्स है, उसे ये प्योरली रिमूव करने में मदद करता है। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इसकी एप्लीकेशन, इसे अप्लाई कैसे किया जाता है। तो गाइस अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ी सी लेना है इसकी क्रीम, आपके फेस के हिसाब से आपको लेना है। मैं इतने से ले रहा हूँ। इसकी क्रीम आपको लेना है और इसकी क्रीम को अच्छी तरह अपने फेस पर लगा लेना है, पूरी चारों तरह। लगाने के बाद इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लिटिल बिट इसे स्क्रब कीजिए। आपको ध्यान देना है कि आपको जोर से नहीं रगड़ना है इसे, आपको धीरे धीरे लगाना है आपके फेस पर, नेक पर और फोरहेड पर, चारों तरफ इसे लगाना है और आपको अच्छी तरह से इसे स्क्रब करना है। जेंटली स्क्रब कीजिएगा, आपके पोर्स के अंदर तक जाके आपके जितने भी पोल्यूशन डेट रहते हैं उसे निकाल सकते हैं। तो गाइस इसे आपको 2 से 3 मिनट तक आपको स्क्रब करना है, उसके बाद इसे 15 मिनट छोड़ देना है, छोड़ने के बाद इसे वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद आपको फ़र्क पता चलेगा, पहले वॉश से ही आपकी जितने भी थोड़ी थोड़ी डल स्किन थी वो निखर जाएगी और आपके फेस को थोड़ी अच्छी तरह ग्लो बना देगी। तो गाइस इसे आपको 15 मिनट तक रखना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। तो गाइस मैं जाता हूँ अपने फेस को वॉश करके आता हूँ। तो गाइस मैं आ गया अपने फेस को वॉश करके, आप देख सकते हैं मेरे फेस कितनी अच्छी ग्लो कर रही है, जितने भी डल स्किन थी वो कम्प्लीटली रिमूव होके अच्छी ग्लोइंग त्वचा मिली है। आप देख सकते हैं थोड़ी मेरी स्किन भी बाउंसी लग रही है। तो गाइस इसे आपको इस तरह अप्लाई करना है। तो गाइस इसे कब कब अप्लाई करना है और किस स्किन टाइप अप्लाई करना है,
तो गाइस अगर आपकी फेस ज़्यादा ऑयली है तो आपको हफ्ते में इसे सिर्फ दो ही बार यूज़ करना है, क्योंकि ऑयली स्किन वाले के लिए उसकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव रहती है जिसकी वजह से ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आपको इसे हफ्ते में दो बार यूज़ करना है। अगर आपकी कंबाइंड स्किन है तो आपको इसे हफ्ते में दो या तीन बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे हफ्ते में दो तीन बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फेस को अच्छी तरह मॉइस्चर भी देता है, जो एक अच्छी बात रहती है इसकी स्क्रब के बारे में। आपकी फेस को ज़्यादा ड्राई नहीं बना देता है, थोड़ी आपके फेस को मॉइस्चर भी देता है। तो गाइस लास्ट हम लोग बात करते हैं इसे आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइस डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसे आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपके फेस पर जितने भी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है उसे रिमूव करती है, आपकी डल स्किन को ग्लोइंग बनाती है, जितने भी आपकी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसे रिमूव करती है, जो एक स्क्रब की बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट अच्छी बात है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जैसे कि पैराबिन होता है, मिनरल ऑयल होता है, सल्फेट होता है, इसमें नहीं है। और ये आपकी बजट फ्रेंडली है, मतलब कि आपके बजट के अंदर आ जाता है। और आपको एक महीने तक दो महीने तक कोई दूसरे स्क्रब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्क्रब दो महीने तक ईजिली चल जाता है, जो इसकी अच्छी बेनिफिट्स मुझे लगी है। तो गाइस आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और रिव्यू आपको अच्छी लगी है। अगर इस रिव्यू के बारे में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितनी हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट कौन सी वीडियो पे आपको टॉपिक चाहिए आप डिमांड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टाइलिश एंड टेक केयर।